बच्चों, हम जासूस बन रहे हैं शर्लक होम्स की तरह और उनके फ्रेंड वाटसन की तरह, और हम किरदार निभा रहे हैं आर्थर कॉनन डॉयल सर की स्टोरी द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरीडेप्स के संग। और ये जो थ्री गैरीडेप्स की कहानी है, हमारे ऑथर ने पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में काम करा था और उसके बाद में डिटेक्टिव नॉवेल्स जब लिखने शुरू किए थे तो इन्होंने ही शर्लक होम्स का किरदार गढ़ा था। और अगर हम ये कहें कि शर्लक होम्स का ये जो किरदार है, ये कहीं ना कहीं एट प्रेजेंट इरा में भी उतना ही फेमस है। इनके जो इनोवेशन्स इनके द्वारा किए जाते हैं वो अभी भी उतने ही फेमस हैं जितने उस इरा में थे। हम बात करते हैं इस प्रेजेंट स्टोरी की, तो हम देखते हैं थ्री गैरीडेप्स एक ऐसी स्टोरी है, द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरीडेप्स, जिसमें कहीं ना कहीं शर्लक होम्स और वाटसन को भी उस स्टोरी का भाग बना दिया जाता है। इट्स ओके, दे आर सर्चिंग, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, बट यहाँ पे केस को ही बहुत पेचीदा किया गया है। कैसे, आपको हम बताते हैं। हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में आपको समरी बताई थी, देन लेटर ऑन सेकंड पार्ट से हमारा स्टोरी कंटिन्यू है। और हमने बात की थी कि नेथन गैरीडेप है, वो एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा पत्र मिला है और हमें थ्री गैरीडेप्स चाहिए। क्यों चाहिए थ्री गैरीडेप्स सरने वाले व्यक्ति? क्योंकि कहीं ना कहीं हैमिल्टन गैरीडेप जो हैं वो अपने 15 मिलियन स्टेट्स की प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, लेकिन ये तभी हमें मिलेगी जब हम तीन गैरीडेप्स एडल्ट पर्सन हो जिसमें लेडीज़ इंक्लूड ना हो। तो हमें ऐसे बनना है और हमें तीन गैरीडेप्स ढूंढने हैं। सेम टाइम में क्या होता है, जब ये केस आपस में दोनों जने बात कर रहे हैं, शर्लक होम्स और वाटसन, तो एक और किरदार वहाँ पे शामिल होते हैं जिनका नाम होता है जॉन गैरीडेप, जो कि हम ये कह सकते हैं अभी तक की हमने कहानी पढ़ी कि एक्चुअल में तो जॉन गैरीडेप थे ही नहीं, वो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कहानी को डाइवर्ट करने के मूड में आए थे। तो जॉन गैरीडेप आते हैं, जॉन गैरीडेप वहाँ पे आके बताते हैं कि मुझे एक गैरीडेप नाम वाले व्यक्तियों की तलाश है, दो हम हो चुके हैं, थर्ड पर्सन की हमें तलाश है, तो विल यू हेल्प मी? तो कहीं ना कहीं होम्स कहते हैं कि आप मेरे पास में क्यों आए हैं, आप न्यूज़पेपर में ऐड दीजिए, आप कहीं और पता कीजिए। तो बोले आपने जो टेलीफोन डायरेक्टरी में पता किया है, क्यों? क्योंकि वाटसन उस टाइम बात ही कर रहे थे। तो बोले मैं अपनी तरफ से सब जगह सर्च आउट कर चुका हूँ, हमें कहीं पे भी ये व्यक्ति नहीं मिला है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी। इट्स ओके, कई कंडीशंस ऐसी होती हैं, शर्लक होम्स उनका झूठ पकड़ते हैं, उनकी बातें आगे बढ़ती है और उन झूठों की बुनियाद पर वो बात सर्च आउट करते हुए नेथन गैरीडेप से मिलने की प्लानिंग करते हैं। और एक दिन शाम को टाइम लेके नेथन गैरीडेप के घर पे शर्लक होम्स और वाटसन चले जाते हैं। वहाँ पे नेथन गैरीडेप जो व्यक्ति है, उन्होंने अपने रूम को इतना ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन कर रखा था, प्राइवेटाइजेशन से मतलब है वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज के जो केसेस हैं वो भी मिलते हैं, वहाँ पे उनको मिलते हैं अलग अलग ज्योलॉजिकल चीज़ें जब उनको मिलती हैं तो वो देखते हैं कि उनके पास तो फॉसिल बोन्स भी हैं। तो ये बोन्स वगैरह होना और कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें उनके सेंटर टेबल पे तो जैसे ढेर ही लग गया था, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और क्या देखते हैं, एक लेदर लिया हुआ है, एंशेंट कॉइन लिया हुआ है और उसको नेथन गैरीडेप चमका रहे हैं। काफ़ी सर्च आउट होता है, पूछा जाता है, अरे नेथन गैरीडेप सर, आप इतनी सारी चीज़ें क्यों इकट्ठी करके रखते हैं? बोले इट्स ओके, ये तो मेरा एक शौक है, इसीलिए रखता हूँ। तो बोले अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है ऑन दैट कंडीशन, क्या आप शिफ्ट हो जाएंगे? बोले नहीं नहीं, मुझे जॉन गैरीडेप ने एग्रीमेंट कर रखा है कि जब प्रॉपर्टी मिल जाएगी ऑन दैट कंडीशन, मैं यहाँ पे अपना और सामान लेके आऊँगा, ताकि मेरे को अपनी ज़िंदगी और खुशनुमा बनानी है, अपने शौकों को और पूरा करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे नेथन गैरीडेप के रूम में शर्लक होम्स को लगता है कि कहीं कुछ ऐसा है जो मुझे सर्च आउट करना चाहिए। सेम टाइम जॉन गैरीडेप वहाँ पे आते हैं, जॉन गैरीडेप उनको कहते हैं हमें थर्ड गैरीडेप मिल गया है, लेकिन आपको उसके लिए बाहर जाके उससे साइन करवाने पड़ेंगे, उससे बात करनी पड़ेगी। नेथन गैरीडेप कहते हैं नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं 60 ईयर्स ओल्ड पर्सन हूँ, वाई?
तो बोले अरे मैं इतना इधर उधर छानबीन कर रहा हूँ, इतना ढूंढ रहा हूँ, आप ये कितना सा काम नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट आता है उसको लेके भी कहीं ना कहीं शर्लक होम्स और वाटसन कंफ्यूज रहते हैं। शाम को आके बात भी करते हैं और वाटसन गलती भी पकड़ लेते हैं, और तब शर्लक होम्स उनको हंसते हुए पता है बच्चों क्या कहते हैं, हाँ शर्लक होम्स की तरह आप भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, और हमें भी गर्व होता है कि हम भी उन लोगों के संग संग इतना अपने आप को माइंड से शार्प कर रखे हैं कि हमें भी कई नई चीज़ें वहाँ पर पता चलती हैं। इतना गोइंग ऑन होता है तो हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट डे शर्लक होम्स और वाटसन आते हैं नेथन गैरीडेब के घर पे, जैसा कि उन्होंने ऑलरेडी परमिशन लिया हुआ था। नेथन गैरीडेब तो थे नहीं, लेकिन वो दोनों वहाँ पे आते हैं, एक एक चीज़ को छानबीन कर रहे होते हैं। तभी उन्हें लगता है कि गेट पे कोई नॉक कर रहे हैं या गेट को कोई खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को हाइड करते हुए वो दोनों वहाँ पे छुप जाते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा होता है, और यहीं पर वहाँ एडमिट हो जाता है। जी हाँ, यहीं पे कई चीज़ों का खुलासा होता है जो हम चैप्टर रीडिंग में करेंगे। आप भी हमारे साथ में तैयार हो जाइए बच्चों, क्योंकि हम संग में वर्ड मीनिंग्स भी आपके लिए लेके आए हैं। दैट इज़ अवर बर्ड वाटसन, अ स्पोर्टिंग बर्ड एज यू मस्ट एडमिट। बोले शर्लक होम्स कहते हैं, वाटसन यह एक शिकारी चिड़िया है और हमें पता चल गया है कि क्या चीज़ कहाँ पे है। बट वॉट इज़ हिज गेम, बोले उसकी अलग प्लानिंग, उसका खेल क्या है, वो क्या चाहते हैं। वेल इट बिगिन्स टू डिफाइन इट सेल्फ, बोले ये आप और मैं नहीं बोलते हैं, ये तो उनको खुद को ही बोलने दीजिए कि क्या बात है। आई हैव बीन टू द हाउस एजेंट्स, मैं हाउस एजेंट्स के पास में भी गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेथन गैरीडेब से पूछा था, नेथन गैरीडेब ये बताइए कि आपके इस घर के एजेंट कौन है। आवर क्लाइंट एज ही टोल्ड अस हैज़ बीन देयर 5 ईयर्स, बोले हमारे क्लाइंट ने हमें एक ही बात बताई है कि मैं यहाँ पे पिछले 5 सालों से रह रहा हूँ। इट वॉज अ लेट फॉर अ ईयर बिफोर देन, बोले कि इट्स ओके, कहीं कुछ गड़बड़ है। द प्रीवियस टीनेंट वॉज अ जेंटलमैन एट लार्ज नेम्ड वॉल्ड्रोन। शर्लक होम्स बताते हैं टीनेंट, टीनेंट मीन्स किराएदार, यहाँ पे नेथन गैरीडेब रह रहे हैं। नेथन गैरीडेब से जो पहले यहाँ पे टीनेंट या किराएदार रहते थे उनका एक लंबा सा नाम था जिसका नाम था वॉल्ड्रोन। ओके, तो वॉल्ड्रोन्स अपीयरेंस वॉज वेल रिमेम्बर्ड एट द ऑफिस। और वॉल्ड्रोन्स की जो अपीयरेंस होती है, अपीयरेंस का मतलब होता है जो उनका बाहरी दिखावा पहनावा होता है, वो कहीं ना कहीं उनके ऑफिस के लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि कैसा है। ही हैड सडनली वैनिश्ड एंड नथिंग मोर देन हर्ड ऑफ इट। बट होता क्या है कि अचानक ही वॉल्ड्रोन गायब हो जाते हैं और उनके बारे में कभी भी कोई भी खबर किसी को भी पता ही नहीं चलती है। ही वॉज अ टॉल बियर्डेड मैन विद वेरी डार्क फीचर्स। और अगर हम वॉल्ड्रोन की बात करें, जैसा कि शर्लक होम ने सर्च आउट किया था कि वो एक लंबे और अच्छे ये दाढ़ी मूछों वाले व्यक्ति होते हैं और उनके फीचर्स जो है बहुत ही डार्क फीचर्स होते हैं। Now Prisbury, the man whom Killer Evans had shot, was according to Scotland Yard a tall, dark man with a beard. और यहाँ पे वो कंटिन्यू करते हुए चीज़ों को मैच करके बताते हैं कि देखिए जो वॉल्ड्रोन जो गायब हो गया कभी नहीं आया, उसके फीचर्स तो कैसे थे, वो टॉल था, वो अपने दाढ़ी रखता था और उनके डार्क फीचर्स थे। और इसी तरह से अगर हम प्रिस्बरी को किसने मारा था बच्चों, प्रिस्बरी एक व्यक्ति है जिसको इवांस ने मारा है, और इवांस कौन है, इवांस है जॉन गैरीडेब, इवांस है जॉन गैरीडेब, सेम ही व्यक्ति है, नाम बदल बदल कर वो गलत काम कर रहे होते हैं। तो इवांस ने मारा है और यहाँ पे वही चीज़ें रिपीट हो रही है क्या, अकॉर्डिंग टू स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक जो व्यक्ति मरा है, इट मीन्स प्रिस्बरी मरा है, वो कैसे थे, वो लंबे थे, टॉल थे, डार्क मैन, इट मीन्स उनका भी कम्प्लेक्शन कैसा था, डार्क था, विद अ बियर्ड, और वो भी क्या रखते थे, वो भी दाढ़ी रखते थे। एज अ वर्किंग हिपोथेसिस, हिपोथेसिस का मतलब होता है एक तरह की परिकल्पना करना, टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन करना। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं ऐसा वर्किंग ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, आई थिंक वी मे टेक इट
दैट प्रिस्बरी द अमेरिकन क्रिमिनल यूज्ड टू लिव इन द वेरी रूम विच आवर इनोसेंट फ्रेंड नाउ डिवोट्स टू हिज म्यूजियम। और अब ये लिंक यहाँ इस रूम से रिलेट करके बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति की डेथ हो गई वाल्डरॉन उर्फ प्रिस्बरी, वह व्यक्ति इसी घर में रहते थे जिसमें कि अब हमारे भोले मित्र नथन गरीडब हैं और इन्होंने अब इसको म्यूजियम बना रखा है। तो यहाँ पे जो अमेरिकन क्रिमिनल होता है अपराधी प्रिस्बरी, उसको मारने का काम इवांस के द्वारा किया जाता है प्रिस्बरी। एंड अगर हम बात करें वाल्डरॉन की, तो दोनों का जो हुलिया है वो एकदम मिलता जुलता है। So at last we get a link, you see, and then the next link, बोले अब शर्लक होम्स कहते हैं अच्छा अच्छा अब आपको पता चल गया है कि हमें डायरेक्ट लिंक मिल गया है। अब वाटसन कहते हैं इट्स ओके, लिंक ही तो मिला है, नेक्स्ट लिंक आप क्या लेना चाहते हैं? वेल वी मस्ट गो नाउ एंड लुक फॉर दैट, बोले चलिए अब तो हम खुद ही वहाँ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हमें नेक्स्ट वहाँ पर क्या क्ल्यू मिल सकता है। He took a revolver from the drawer and handed it to me. I have my old favorite with me. और शर्लक होम्स ने क्या किया, ड्रॉवर खोला, मेज की जो दराज होती है उसे ओपन किया और ओपन करके रिवॉल्वर निकाल ली और एक रिवॉल्वर उन्होंने मेरे को दे दी। और वहाँ पे वाटसन खुश होते हैं कि हाँ यह तो मेरे फेवरेट है। If your wild west friend tries to live up to his nickname, we must be ready for him. और यहाँ पे कहते भी हैं कि आपका ये जो wild west friend है कहीं ना कहीं कुछ गलत करने का लगेगा, निकनेम से अलग अलग काम कर रहे हैं, तो हम भी अपने आप में तैयार रहने चाहिए। वी मस्ट बी रेडी, इसीलिए उन दोनों ने रिवॉल्वर हाथ में ली है। आई विल गिव यू एन आवर फॉर अ सियस्टा, सियस्टा का मतलब होता है बच्चों झपकी। शर्लक होम्स कहते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप झपकी ले लें, ताकि आप मेंटली रिलैक्स कर रही। आप खुद कई बार बच्चों देखते होंगे कि कई लोग साउंड स्लीप लेते हुए भी क्या कहते हैं कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, और कई लोग झपकी ले लेते हैं। झपकी का मतलब होता है अ विंक फॉर अ सम टाइम, कुछ समय के लिए पलक बंद करके सो जाना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वाटसन को कहा जा रहा है शर्लक होम्स के द्वारा कि आप थोड़ी देर झपकी ले लीजिए वाटसन, एंड देन आई थिंक इट विल बी टाइम फॉर आवर राइडर स्ट्रीट एडवेंचर, और उसके बाद में हमारा एक नया अभियान शुरू हो जाएगा, एक खोजी एडवेंचर अभियान है। कहाँ के लिए? राइडर स्ट्रीट। राइडर स्ट्रीट पे कौन रहते हैं बच्चों? नथन गरीडब जो हैं उनकी बिल्डिंग यहीं पे है, राइडर स्ट्रीट पे ही। इट वॉज 4 o'clock वेन वी रीच द क्यूरियस अपार्टमेंट ऑफ नथन गरीडब, और जब शर्लक होम्स और वाटसन वहाँ पे जाते हैं उस समय टाइमिंग होता है नियर अबाउट 4 o'clock। 4 o'clock दोनों जने वहाँ पे पिस्टल हाथ में लेके पहुँचते हैं। मिसेस सैंडर्स द केयर टेकर वॉज अबाउट टू लीव, बट शी हैड नो हेजिटेशन इन एडमिटिंग अस फॉर द डोर शट विद अ स्प्रिंग लॉक, एंड होम्स प्रॉमिस टू सी दैट ऑल वॉज सेफ बिफोर वी लेफ्ट। और 4 बजे जब वो हो जाते हैं, नथन गरीडब ने पहले ही कह दिया था मैं तो नहीं मिलूँगा, लेकिन नीचे अपार्टमेंट में मिसेस सॉन्डर्स हैं वो काम करने के लिए आती हैं, वो आपको मिल जाएंगी। तो मिसेस सॉन्डर्स जो केयर टेकर हैं वो वहाँ पे आती हैं और विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब होता है बच्चों संकोच या हिचकिचाहट के, बिना किसी हिचकिचाहट के मिसेस सॉन्डर्स ने उनको वेलकम किया और जो डोर है उसको स्प्रिंग लॉक को ओपन कर दिया। और होम्स ने भी उन्हें प्रॉमिस किया कि देखिए मिसेस सॉन्डर्स, आपने हम पे बिलीव किया है तो हम भी यहाँ से जाएंगे तो बिल्कुल हर चीज़ को सेफ ही छोड़ के जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या वो सेफ छोड़ के जाते हैं? क्या यहाँ पे समथिंग स्पेशल होने वाला है? क्या हो रहा है? क्या सिर्फ वहाँ पे म्यूज़ियम की चीज़ों को देखने के लिए ही दोनों गए हैं? लेकिन दोनों गन क्यों साथ लेके गए हैं? लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन आवर माइंड्स, बट वी आर आल्सो द डिटेक्टिव एज शर्लक होम्स एंड वॉटसन। तो हम भी क्वेरीज नहीं करेंगे, हम भी इनके संग संग एक एक चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। Shortly afterwards, the outdoor closed her bonnet
past the bow window and we knew that we were alone in the lower floor of the house. और थोड़ी ही देर में जो आउटर डोर है वो क्लोज हो जाता है, बाहर का गेट बंद हो जाता है और उनका जो बोनट है किसका, मिसेस सॉन्डर्स का, वो भी वहाँ से निकल जाता है. जैसा कि वो लोग विंडो में से झांक के देखते हैं तो वो एश्योर हो जाते हैं कि अब इस लोअर फ्लोर में, इस घर में शर्लक होम्स और वाटसन दोनों ही हैं और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं है. बट क्या यह सच है क्या? कहीं ना कहीं देखा जाएगा. क्यों? क्योंकि हम भी शर्लक होम्स की तरह हर चीज़ पे शक करने लग गए हैं. हर चीज़ उनकी नज़रों के संग संग हमने हमारे भी माइंड को शार्प कर लिया है. हम भी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में जा रहे हैं. होम्स मेड अ रैपिड एग्जामिनेशन ऑफ द प्रमिसेस. देयर वॉज वन कबर्ड इन अ डार्क कॉर्नर विच स्टूड अप आउट ए लिटिल फ्रॉम द वॉल. एक एक चीज़ को वहाँ, वो जो प्रेमिसेस वो जो जगह थी वहाँ पे शर्लक होम्स एक एक चीज़ को माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं. वहाँ पे उन्हें कबर्ड दिखाई देती है, कबर्ड जो अलमीरा टाइप की होती है वह कबर्ड दिखाई देती है. कहाँ पे? एकदम डार्क कॉर्नर में. अंधेरा था, अंधेरे में उन्हें एक अलमारी दिखाई दी है. It was behind this that we eventually crouched. और बोला कि कुछ न कुछ ऐसा है जो हम इसके पीछे छुप कर देख सकते हैं. Crouched it means छुप कर. While Holmes in a whisper outlined his intentions. Whispering करना it means फुसफुसाना. Sherlock Holmes फुसफुसाहट करके अपनी जितनी भी बातें हैं वो हो अपने जो इरादे intentions means इरादे, अपने जितने भी इरादे हैं वो वाटसन को समझा रहे थे ताकि बिना नॉइस के दोनों में कम्युनिकेशन गैप ना रहे. आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो जो टारगेट उन्हें अचीव करना है वो सक्सेसफुली कर पाएंगे. ही वॉन्टेड टू गेट आवर आमियेबल फ्रेंड आउट ऑफ हिज रूम दैट इज़ वेरी क्लियर एंड एज द कलेक्टर नेवर वेंट आउट इट टुक सम प्लानिंग टू डू इट. बच्चों एमिएबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण. हम चाहते थे कि हमारा ये जो मित्र है इस कमरे से आराम से निकल जाए और यह चीज़ बिल्कुल क्लियर कट थी कि जो कलेक्टर है वो कहीं ना कहीं नहीं निकला है और कहीं कुछ न कुछ प्लानिंग वहाँ पे चल रही है. द होल ऑफ दिस गार्डेब इन्वेंशन वॉज अपरेंटली फॉर नो अदर एंड. और ये सारा जो सिनेरियो है इसको देखने के बाद में अपरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से ये बात क्लियर हो गई कि ये जितना भी चल रहा है मामला ये सिर्फ थर्ड गैरिडेव नाम वाले व्यक्ति को ढूंढने तक ही लिमिट में नहीं है. यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत सीरियस मैटर गोइंग ऑन है. आई मस्ट से वॉटसन दैट देयर इज अ सर्टेन डेवलिश इंग्विटी अबाउट इट. और यहाँ पे शर्लक होम्स वाटसन को कह भी देते हैं इंग्विटी इट मीन्स चतुराई से कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो हम लोगों की नज़रों से ओझल हो रही है. हम लोग उसे सर्च आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. यही कोई डेवलिश जो इंग्विटी है, कोई गलत जो चतुराई है वह हम लोगों के साथ की जा रही है. इवन इफ द क्वेर नेम ऑफ द टीन एंड डिड गेव ही मैन ओपनिंग विच ही कुड हार्डली हैव एक्सपेक्टेड. और कहते भी हैं कि ये जो टीनेंट है, किराएदार है, ये कुछ ना कुछ ऐसा क्ल्यू है इस घर के अंदर जो हम लोगों से छुपा के रखा हुआ है. ही वोव हिज प्लॉट विद रिमार्केबल कनिंग. और बहुत ही चालाकी से उसने ये सारा प्लॉट रचा है, ये सारा कारनामा रचा है. बट व्हाट डिड ही वांट? वाटसन तो हमारी तरह क्यूरियस ही बनते जा रहे हैं. कहते हैं कि उसको चाहिए क्या, आप हमें ये तो बताइए. वेल दैट इज वॉट वी आर हेयर टू फाइंड आउट. बोले यही तो ढूंढने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, यही चीज़ तो हमें यहाँ पे सर्च आउट करना है. इट हैज नथिंग वट एवर टू डू विद आवर क्लाइंट सो फार एज आई कैन रीड द सिचुएशन.
और यहाँ पे शर्लक होम्स को एक चीज़ तो बिल्कुल माइंड क्लियर हो गया कि हमारा जो क्लाइंट है, एक्चुअल क्लाइंट कौन है, नेथन गैरिडर, हमारा जो क्लाइंट है नेथन गैरिडर, उनका इस पूरे मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतने इनोसेंट है कि इट्स ओके अगर मैं रूम में नहीं हूँ तो भी आपको यहाँ पे म्यूजियम के रूप में कोई चीज़ देखनी है तो आप आराम से देख सकते हैं। तो शर्लक होम्स ने इतना तो कंक्लूजन निकाल लिया है कि कहीं भी मेरा जो क्लाइंट है नेथन गैरिडर वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। इट इज समथिंग कनेक्टेड विद द मैन ही मर्डर्ड, द मैन हु मे हैव बीन हिज कॉन्फेडरेट इन क्राइम। और बोले कि और कुछ नहीं है, ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन उस व्यक्ति से है जो कि मर्डर कर रहा है और कहीं ना कहीं अपराध में सहयोगी बन रहा है। कन्फिडरेट, कन्फिडरेट इट मीन्स पार्टनर इन क्राइम, अपराध में सहयोगी बनना। तो बोले ये जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं अपराध में सहयोगी बनने का काम कर रहा है। देयर इज सम गिल्टी सीक्रेट इन द रूम, और वो जो अपराध है उसी का कुछ ना कुछ क्लू इस रूम के अंदर है और इसीलिए जानबूझ के नेथन गैरिडर को यहाँ से बाहर भेजा गया है। दैट इज हाउ आई रीड इट। एट फर्स्ट आई थॉट अवर फ्रेंड माइट हैव समथिंग इन हिज कलेक्शन मोर वैल्युएबल दैन ही न्यू, समथिंग वर्थ द अटेंशन ऑफ अ बिग क्रिमिनल। और शर्लक होम्स कहते हैं कि पहले तो मुझे ये लगा था कि ये जो मेरा कस्टमर है नेथन गैरिडर, इनके पास में कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट खजाना है इस म्यूज़ियम में, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने रख रखी है, इनके अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा क्ल्यू है जो कि जो क्रिमिनल है वो लेना चाहता है। बट अब मुझे लगता है कि यहाँ पे तो एक बड़ा ही क्रिमिनल केस बनता जा रहा है, समथिंग बड़ा ही पेचीदा मामला यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहा है। बट द फैक्ट दैट रोजर प्रिस्बरी ऑफ एविल मेमोरी इनहैबिटेड दीज रूम्स पॉइंट टू सम डीपर रीज़न। और क्लियर कट बता भी दिया है शर्लक होम्स ने कि जो रोजर प्रिस्बरी थे जिनका कि इवास उर्फ किसने, मेरे संग याद करिए, जॉन गैरिडर ने मर्डर किया है, तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि रोजर प्रिस्बरी ने कहीं कुछ गलत मेमोरीज हैं जो इस रूम में किसी न किसी कारण से दबा के रखी हुई हैं, कुछ ऐसा काम है जो इस रूम को बहुत ही सस्पेक्ट एरिया के रूप में बना रहा है। वेल वाटसन, वी कैन बट पजेस आवर सोल्स इन पेशेंस एंड सी व्हाट द आवर्स मे ब्रिंग। और शर्लक होम्स कहते हैं इट्स ओके, टेक अ पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है बच्चों सहनशीलता, धीरज रखना। शर्लक होम्स कहते हैं वाटसन थोड़ा सा धीरज रखिए, कहीं ना कहीं ये जो अगला घंटा है, इट मीन्स अगला जो समय आने वाला है, इस समय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा घटने वाला है जो हमें माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में लेना होगा। द टावर वॉज नॉट लॉन्ग इन स्ट्राइकिंग, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। वी क्राउच क्लोजर इन द शेडो एज वी हर्ड द आउटर डोर ओपन एंड शट। और तभी क्या हुआ, ज़्यादा देर हुई नहीं है उन्हें अंदर आए, अंधेरा कर रखा था, अलमीरा के पीछे डार्क जो वार्ड्रोब है उसके पीछे छुपे हुए थे वे, और क्या देखते हैं कि एक शेडो, एक छाया वहाँ पे आती है और उन्हें बाहर के गेट पे कुछ खुलने की आवाज़ भी महसूस होती है। Then came the sharp metallic snap of a key and the American was in the room. और उन्हें एक मेटलिक की आवाज़ आती है, डोर खोलने के लिए जो चाबी यूज़ करते हैं उसकी आवाज़ आती है, और वो क्या देखते हैं कि एक चाबी की यूज़ करके उनका एक और जो केस में हेल्प कर रहा था या केस में डाइवर्ट करने के लिए आए थे जॉन गैरिडर, अमेरिकन पर्सन, वो उस रूम में एंटर कर चुके हैं। ही क्लोज द डोर सॉफ्टली बिहाइंड हिम, टुक अ शार्प ग्लांस अराउंड हिम टू सी दैट ऑल वॉज सेफ, थ्रू ऑफ हिज ओवरकोट एंड वॉकड अप टू द सेंट्रल टेबल विद द ब्रिस्क मैनर ऑफ वन हु नोज एग्जैक्टली वॉट ही हैज़ टू डू एंड हाउ टू डू इट। एक्चुअल में
सही पोजीशन कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है। हम कह सकते हैं नेथन गैरिडेब को तो इतना पता ही नहीं चल रहा था, बट ये जो फेलो हैं जॉन गैरिडेब, ये बड़े चालाक हैं। धीरे से एक चाबी लेके अंदर आते हैं और सीधा कहाँ पहुँचते हैं हम देखते हैं। डोर को सेफली बंद करने के बाद में चारों तरफ देखते हैं कि उन्हें कोई ख़तरा तो नहीं है, और वो अपना ओवरकोट फेंक के जल्दी से जल्दी सेंट्रल टेबल के पास में आ जाते हैं और सेंट्रल टेबल को बहुत ही ब्रिस्क मीन्स फुर्तीले तरीके से एक साइड से दूसरी तरफ रिमूव करते हैं। और ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट कुछ स्पेशल वहाँ पे हो रहा है। He pushed the table to one side. और क्या किया उन्होंने, टेबल को एक तरफ धक्का दे दिया, tore up the square of carpet on which it rested, rolled it completely back and then drawing a zimmy from his inside pocket, he knelt down and worked vigorously upon the floor. और वहाँ पे बहुत ही चौंकाने वाली बात हुई। क्या हुई, जब सेंटर टेबल को हटा दिया गया, पुश करके दूसरी जगह रख दिया गया, तो जो कारपेट है उस कारपेट को टोर किया गया। टोर का मतलब होता है फाड़ना, तो जो कारपेट है उसे काट दिया गया। हम क्या देखते हैं, काटने के बाद में रोल करके एक साइड रखा गया है और जिमी उन्होंने अपने इनसाइड पॉकेट से निकाला और उसको नीचे झुक के अपना काम बहुत ही जल्दी जल्दी अंडरग्राउंड सा उन्हें महसूस हुआ कि कहीं कुछ अंडरग्राउंड है वहाँ पे, उसके अंदर जाके अपना काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। Presently we heard the sound of sliding boards and an instant later a square had opened in the planks. अचानक क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा कि एक साउंड हुआ जिसमें कि कोई बोर्ड्स को स्लाइड कर रहा है, इट मीन्स पुश कर रहा है। आपको पता है बच्चों, कई गेट्स ऐसे होते हैं यहाँ पे यूँ पुश करके यूँ खोलने वाले होते हैं और कईयों को अपने को पूरा ओपन करके खोलना होता है। तो यहाँ पे कुछ बोर्ड्स थे जिनको स्लाइड किया गया और संग में ही हम क्या देखते हैं कि जो प्लैंक्स होते हैं, प्लैंक्स इट मीन्स लकड़ी का एक तख्त है, उसको वहाँ पर रखा हुआ था, उस लकड़ी के तख्त को भी, प्लैंक्स को भी वहाँ से ओपन किया गया। Killer Evans struck a match, lit a stump of candle and vanished from our view. और क्या देखते हैं, जो किलर इवांस उर्फ जॉन गैरिडेब, उर्फ बहुत सारे उर्फ लगे हुए हैं उनके पीछे, जैसा कि शर्लक होम्स ने ढूंढ लिया था। तो हम क्या देखते हैं, इवांस वहाँ पे आते हैं, अपनी उससे मैच बॉक्स निकाल के कैंडल को जलाते हैं और बहुत जल्दी ही वहाँ से वैनिश्ड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्लियरली अवर मूवमेंट हैड कम, और तभी शर्लक होम्स को कहते हैं कि अरे यही तो वो मूवमेंट है जहाँ पे हमें भी काम करना है। होम्स ट्रस्ट माई रेस्ट सिग्नल एंड टुगेदर वी स्ट्रोल अक्रॉस टू द ओपन ट्रैप डोर, और शर्लक होम्स ने वाटसन के रेस्ट को टच किया और क्या हुआ, दोनों धीरे धीरे ओपन ट्रैप डोर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जेंटली एज वी मूव्ड हाउएवर द ओल्ड फ्लोर मस्ट हैव क्रेक्ड अंडर आवर फीट फॉर द हेड ऑफ आवर अमेरिकन पियरिंग एंशियसली राउंड इमर्ज सडनली फ्रॉम द ओपन स्पेस। हुआ क्या, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता शर्लक होम्स और वाटसन वहाँ पे जाते हैं, परंतु जो फ्लोर है लकड़ी का होता है, पुराना होता है, तो वो चरमरा जाता है। चरमराने की आवाज़ सुनते ही नीचे इवांस होते हैं, इवांस को रियलाइज़ हो जाता है। हम क्या देखते हैं कि ये सब जो सरकमस्टांसेस हैं, उनके जो पांव के आवाज़ है, उन आवाज़ों से अमेरिकन जो क्लाइंट होता है, उर्फ हम कह सकते हैं नेथन गैरिडेब का जो एक और गैरिडेब सरने वाला जॉन गैरिडेब व्यक्ति होता है, उर्फ इवान होता है, उर्फ किलर होता है, उसे पता चल जाता है कि कोई ना कोई वहाँ पे है और वो ऊपर ओपन स्पेस की तरफ सामने देखते हैं। हिज फेस टर्न्ड अपॉन अप विद अ ग्लेयर ऑफ बेफल्ड रेज। बेफल्ड का मतलब होता है एक तरह से कन्फ्यूज्ड होना। तो कन्फ्यूज होते हुए जॉन गैरिडेब क्या करते हैं, ऊपर शर्लक होम्स और वाटसन को देखते हैं। विच ग्रेजुअली सॉफ्टन इंटू अ रदर शेम फेस्ड
ग्रिन एज ही रियलाइज दैट टू पिस्टल्स वर अपॉइंटेड एट हिज हैंड। और इसके संग ही हम क्या देखते हैं, शेम फेस्ड, एक तरह से संघर्ष करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी क्या देखते हैं कि शर्लक होम्स और वाटसन ने अपने जो पिस्टल है वो उसके सिर पर लगा दी है। वेल सैड ही कोले आज ही स्क्रीम टू द सरफेस और कहते हैं इट्स ओके नो प्रॉब्लम, मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था, देख लिया पिस्टल सामने है, देख लिया मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई गेस यू हैव बीन वन टू मैनी फॉर मी मिस्टर होम्स, बोले कि अरे शर्लक होम्स आप ही कईयों में से एक, आप ही मेरे लिए काफ़ी हैं मुझे पकड़ने के हिसाब से। सॉ थ्रू माई गेम आई सपोज एंड प्लेड मी फॉर अ सक्कर फ्रॉम द फर्स्ट। सकर का मतलब होता है बच्चों प्रत्येक बात पर विश्वास करने वाला। और यहाँ पे जॉन गैरिडेब कहते हैं कि देखिए शर्लक होम्स, मैंने एक एक गेम इस तरह से, एक एक प्लानिंग इस हिसाब से की थी कि कहीं ना कहीं आप मेरे पे हर बात पे विश्वास करते जा रहे हैं। वेल सर आई हैंड इट टू यू, यू हैव मी बीट एंड, और बोले कि ठीक है अब चोरी पकड़ी जा चुकी है, अब आप मेरा जो करना है कर सकते हैं। और हम क्या देखते हैं, इन एन इंस्टेंट ही हैड विस्क्ड आउट अ रिवॉल्वर फ्रॉम हिज ब्रेस्ट पॉकेट एंड हैड फायर टू शॉट्स। अचानक से जब हम ये कह दें ना कि चोर ने सरेंडर कर दिया है, ऐसा शातिर चोर, ऐसा शातिर हम कह सकते हैं आक्रमणकारी जो इतना पोलाइटली बोल के सरेंडर कर दे, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हुआ यही, उन्होंने क्या किया, अपने पॉकेट में से पिस्टल निकाली और दो शॉट्स चला दिए। शॉट्स किस पे लगे हैं देखिए बच्चों, आई फेल्ट अ सडन हॉट सीर एज इफ अ रेड हॉट आयरन हैड बीन प्रेस्ड टू माई थाई। और मैंने देखा, मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला यहाँ पे आई नाम से नरेटर हैं जिनका नाम है वाटसन, और हम ये सारी स्टोरी ऑथर के द्वारा लिखे गए किरदार को वाटसन के द्वारा ही सुन रहे हैं। तो यहाँ पे वाटसन के संग क्या हुआ, वाटसन को एक रेड हॉट आयरन की तरह लगा और उनको लगा कि ये जो मेरी थाइज है, मेरी ये जो जांग है, इस जांग पे कहीं ना कहीं जो गन्स हैं उनकी गोलियाँ लग चुकी है। There was a crash as Holmes' pistol came down on the man's head. और अचानक होम्स को इतना तेज़ गुस्सा तो आना ही था कि उनके फ्रेंड पे उन्होंने गोली चलाने की कोशिश की, तो हम क्या देखते हैं होम्स ने क्या किया, होम्स ने सीधा जॉन गैरिडेब के सिर पे पिस्टल तान दी। I had a vision of him sprawling upon the floor with blood running down his face while Holmes रमेश हेम फॉर वेपन्स। हम देखते हैं स्प्रॉलिंग का मीनिंग होता है हाथ पैर पसारे हुए, रमेश में सामान फैलाते हुए खोज करना। जैसे ही गोली लगाई जॉन गैरिडेब ने, शर्लक होम्स वहाँ पे जाते हैं और शर्लक होम्स ने अपनी पिस्टल उनके ऊपर तान दी है और वहाँ पे बिल्कुल खून आ गया है उनके, जॉन गैरिडेब के। क्यों? क्योंकि शर्लक होम्स जब चालू होते हैं तो ख़त्म नहीं होते, इट मीन्स उन्होंने उनको इतना तेज़ मारा है, इतना तेज़ पीटा है कि उनके फेस से खून आ गया है और वो अपने हाथ पैर पसार के वहाँ पे बैठ गए हैं और ऐसे लग रहा है कि सब कुछ उनके जो वेपन्स हैं, वेपन्स मीन्स हथियार हैं, हथियारों को वो छोड़ के वहाँ पे धम से बैठ गए हैं। Then my friend's very arms were round me and he was leading me to a chair. और इतना करके, इट मीन्स अपराधी को ढेर करने के बाद में शर्लक होम्स ने अपने फ्रेंड वाटसन को पकड़ा और आराम से अपने आर्म्स में पकड़ के उनको चेयर पे बिठा दिया है। You are not hurt, Watson. Watson, आपको नुकसान तो नहीं हुआ है, For God's sake, say that you are not hurt. और कहते हैं भगवान की दया से मुझे बताओ वाटसन कि आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है ना। इट वॉज वर्द द वाउंड, इट वॉज वर्द मैनी वाउंड्स टू नो द डेप्थ ऑफ लॉयल्टी एंड लव विच ले बिहाइंड दैट कूल मास्क। और यहाँ पे देखिए, एक ये जो कोल्ड मास्क, इट मीन्स ठंडा सा एक जो चेहरे का आवरण है जिसको हम शर्लक होम्स का प्रतिबिंब मानते हैं, तो यहाँ पे वाटसन क्या कहते हैं, बहुत ही खुशी की बात है। क्यों? अ फ्रेंड इज नीड अ फ्रेंड इन डीड वाली जो कहावत है ना, वो यहाँ पे चरितार्थ हो रही है।
जैसे ही वाटसन के गोली लगती है, शर्लक होम्स पहले तो अपराधी को ढेर करते हैं, फटाफट पकड़ के वाटसन को चेयर पे बैठाते हैं, और वाटसन क्या कहते हैं, वाउंड, एक घाव है, परंतु ऐसे कई घाव जो विश्वास और वफादारी के साथ हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरा ये जो फ्रेंड है शर्लक होम्स है, ये मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। द क्लियर हार्ड आइज वर डीम्ड फॉर अ मोमेंट एंड द फर्म लिप्स वर शेकिंग, और आँखें एकदम क्लीन थी, और हम क्या देखते हैं, शर्लक होम्स जो हैं उनके जो लिप्स होते हैं वो शेक कर रहे थे, कहीं ना कहीं कोई मोमेंट कर रहे थे। फॉर द वन एंड ओनली वन टाइम आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ ग्रेट हार्ड एज ऑफ अ ग्रेट ब्रेन, और फर्स्ट टाइम वाटसन ने क्या देखा बच्चों, वाटसन ने देखा एक ऐसी झलक एक ऐसे बड़े हृदय वाले व्यक्ति की, एक ऐसे बड़े दिमाग वाले व्यक्ति की, जो कि सॉफ्ट भी है, इनर उसका बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही केयरिंग पर्सनैलिटी शर्लक होम्स की यहाँ पे हमें दिखाई गई है। ऑल माई ईयर्स ऑफ हम्बल बट सिंगल माइंडेड सर्विस कल्मिनेटेड इन दैट मोमेंट ऑफ रिवलेशन, और यहाँ पे शर्लक होम्स की छवि को और बताते हुए वाटसन कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको क्या कहते हैं उससे पहले मीनिंग बताना चाहूँगी बच्चों, कल्मिनेटेड, कल्मिनेटेड इट मीन्स अंतिम परिणाम तक पहुँचना, रिवलेशन, रिवलेशन इट मीन्स किसी चीज़ का रहस्योद्घाटन करना। तो यहाँ पे वाटसन क्या कहते हैं, इतना हम्बलनेस मैंने देखा, इतना पोलाइटनेस देखा, परंतु सिंगल माइंड सर्विस जो है, इट मीन्स एक ही दिमाग एक टाइम में कितने काम कर रहा है कि वो अंतिम परिणाम तक पहुँचने से पहले भी वो कहीं ना कहीं कोई रहस्योद्घाटन करने के लिए तैयार है। इट्स नथिंग होम्स, इट्स अ मियर स्क्रैच, और तब वाटसन कहते हैं, शर्लक होम्स ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, छोटा सा स्क्रैच, इट मीन्स खरौंच ही आई है, स्क्रैच, स्क्रैच मीन्स खरौंचे आना। ही हैड रिप्ड अप माई ट्राउजर्स विद हिज पॉकेट नाइफ, और इतने में ही शर्लक होम्स को संतुष्टि नहीं हुई, शर्लक होम्स ने क्या किया, अपनी पॉकेट से नाइफ निकाल के, चाकू निकाल के वाटसन का जो ट्राउज़र है उसको फाड़ा, उस जगह से फाड़ा जहाँ पे बताया गया कि उन्हें स्क्रैच आई है। यू आर राइट, ही क्राइड विद एन इमेंस साई ऑफ रिलीफ, और हम क्या देखते हैं, इमेंस, इमेंस मीन्स अत्यधिक खुशी, किसकी खुशी थी, जब फाड़ के पैंट को, ट्राउज़र को देखा जाता है शर्लक होम्स के द्वारा वाटसन का, और देखते हैं कि हाँ ज़्यादा चोट नहीं आई है, सिर्फ खरोंच आई है, तब शर्लक होम्स को बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है, और वो चिल्ला के कहते हैं, आप सही हैं, आपके ज़्यादा चोट नहीं आई है। और कहीं ना कहीं वाटसन देखते हैं कि उस समय बींग में शर्लक होम्स का जो फेस है वो बिल्कुल रिलैक्स दिखाई दे रहा था। इट इज़ क्वाइट सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है बच्चों ऊपरी सतह के ऊपर, बोले हाँ हाँ आपके ज़्यादा चोट नहीं लगी है, सिर्फ ऊपर जो स्किन है वहीं पे थोड़ी सी खरोंचे आई है। हिज फेस सेट लाइक फ्लैंड एज ही ग्लेयर्ड एट आवर प्रिजनर हु वाज सिटिंग अप विद अ डेज्ड फेस, और उसके बाद में वापस जब देख लिया कि मेरा फ्रेंड ओके है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, तो शर्लक होम्स क्या करते हैं, वापस उस प्रिजनर्स की तरफ देखते हैं जो कि बिल्कुल एकदम हम कह सकते हैं कि सधा हुआ फेस लेके वहाँ पे ज़मीन पे बैठे थे। बाय द लॉर्ड इट इज़ एज वेल एज फॉर यू, बोले भगवान के दया से इट्स ओके, ये आपके लिए भी उतना ही लागू होता है। इफ़ यू हैड किल्ड वाटसन यू वुड नॉट हैव गॉट आउट ऑफ दिस रूम अलाइव, अगर आपने वाटसन को मार दिया, शर्लक होम्स किसको कह रहे हैं, इवांस को उर्फ जॉन गैरी डेप को कह रहे हैं कि अगर आपने वाटसन को यहाँ पे मार दिया होता तो मैं सच कह रहा हूँ कि आप इस रूम से जिंदा वापस नहीं जा सकते थे। नाउ सर वॉट हैव यू टू से फॉर योर सेल्फ, बोले अब आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। ही हैड नथिंग टू से फॉर हिमसेल्फ, बोले नहीं नहीं इनके पास तो कहने के लिए कुछ बाकी ही नहीं बचा है। ही ओनली ले एंड स्काउड, और वह तो सिर्फ स्काउड हो रहा है, वह तो सिर्फ नाराज हो रहा है। हम क्या देखते हैं बच्चों कि कहीं ना कहीं चोरी पकड़ी गई है, कहीं ना कहीं इवांस जो हैं
उर्फ जॉन गैरीडेब ने क्यों भेजा नेथन गैरीडेब को बाहर, यह चीज पकड़ी गई है। और कहीं ना कहीं शर्लक होम्स ने क्या किया, उसी रूम में से ही सारी बातें निकाल दी हैं। इवांस पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इवांस क्या क्या खुलासा करते हैं वहाँ पे, क्या चीज़ें वहाँ पे उनको मिलती हैं, और क्या ये सच में एडवेंचर ऑफ थ्री गैरीडेब्स स्टोरी ही है, या फिर कहीं ना कहीं नया एडवेंचर शर्लक होम्स के द्वारा किया जाता है, यही सब जानने के लिए आप बने रहेंगे बिंदु के साथ। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।